को किया गया है चिन्हित। 25 भू माफिया और 4 आपराधिक माफिया, 7 गौ तस्कर चिन्हित किए गए हैं, जिनके ऊपर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मादक पदार्थ के तस्करों को भी चिन्हित किया गया है। माफियाओं की अवैध संपत्तियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। कुर्क होगी माफियाओं की संपत्ति, SSP की तरफ से ये साफ निर्देश माफियाओं को दिए गए हैं। तो बुलंदशहर में 35 माफियाओं को चिन्हित किया गया है, उनकी संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनमें से 25 भू माफिया हैं, 4 आपराधिक माफिया हैं और 7 गौ तस्कर हैं, जिनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। मादक पदार्थ के तस्करों को भी चिन्हित किया गया है। माफियाओं की अवैध संपत्ति को चिन्हित किया जा रहा है। संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी की जाएगी। SSP की तरफ से ये कड़े निर्देश दिए गए। तो बुलंदशहर में 35 माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई है, उनकी अवैध संपत्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है, जिन्हें कुर्क किया जाएगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, 35 माफियाओं की लिस्ट पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयार की गई है, बड़ी कार्रवाई की तैयारी? बिल्कुल, देखिए जैसे बुलंदशहर के जो SSP श्लोक कुमार सिंह 4 सवाल से ही अपने हरकत में आ गए हैं और उन्होंने आज जो बुलंदशहर के 35 माफियाओं हैं उनकी चिन्हित किया है और उनकी जो 24 माफिया है, 4 आपराधिक माफिया है, 7 गौ तस्कर है, इनमें एक मादक पदार्थ जैसे तस्कर भी चिन्हित किए गए हैं, उनकी अवैध संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसी को लेकर के बुलंदशहर जो SSP उन्होंने पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई होगी इस बुलंदशहर जिले में जो SSP ने तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर माफियाओं की लिस्ट SSP ने नोटिस कर ली है और इसी के आधार पर इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी यतिन, जिन माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई है, ये कितने बड़े माफिया थे, आपराधिक इतिहास इनका, बैकग्राउंड क्या कुछ रहा है, साथ ही साथ कितने ज्यादा ये लोग खतरनाक और एक्टिव थे इलाके में? देखो, जिन अपराधियों की भी SSP ने लिस्ट तैयार की है उनमें गुंडा एक्ट में और अवैध खनन माफिया हैं और गौ तस्कर जैसे अपराधी हैं, जिनको लेकर SSP ने अभी ये लिस्ट तैयार की है। इनके खिलाफ अब बुलंदशहर पुलिस आज सख्त कार्रवाई करने जा रही है। तो इसी को लेकर के माफियाओं में भी काफी हड़कंप मचा हुआ है। जी ठीक है यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो बड़ी कार्रवाई की तैयारी पुलिस प्रशासन की तरफ से, 35 माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई है, माफियाओं पर कार्रवाई होगी, उनकी अवैध संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा।